2 लाख गाड़ी चल चुकी है पर गाड़ी में ऐसी एज सच कोई मेजर खर्चा नहीं आया है। तो गाड़ियां स्पेशली अपनी बीट करती थी उस टाइम पर जो अपनी इनोवा आती थी, इनोवा क्रिस्टा नहीं 2000। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के अपनी जो गाड़ी है उसको बहुत कम लोग पहचानते होंगे, ये है अपनी महिंद्रा की जाइलो। ये गाड़ी 2012 में लॉन्च हुई थी। आज के दिनों में महिंद्रा अपने एक्सयूवी 700 या फिर स्कॉर्पियो NS मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर ऐसा एक टाइम था जब महिंद्रा इस तरह की गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती थी जिसमें फीचर्स बहुत कम होते थे पर स्पेस बहुत था। ये है अपनी जाइलो D4, इसमें 9 वेरिएंट आते थे। ये जो है आप वेरिएंट देख रहे हो ये है D4 वेरिएंट। इसमें आपको 2 इंजन मिल जाते हैं, 2.5 लीटर एंड 2.2 लीटर। ये 2.2 लीटर नहीं है, 2.2 लीटर जो आता है वो अपना एमहॉक इंजन है। इसमें आता है 2.5 लीटर जो कि पावर्ड बाय MDI CRD। तो आज बात करेंगे इसके बारे में। गाड़ी तो अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर महिंद्रा ने अपनी जो मराजो है उसको लॉन्च किया था जो कि 1.5 लीटर के साथ आती है, पर उसने भी कुछ उतना ज़्यादा उखाड़ा नहीं इंडियन मार्केट में, वो भी लगभग डिसकंटिन्यू होने ही वाली है। सब कुछ इस तरह का इसका लुक देखने को मिल जाता है। हेडलाइट्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएंगी। D4 वेरिएंट है, इसमें आपको 9 वेरिएंट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा एंड फॉग लैंप की हाउसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, पर फॉग लैंप आपको इसमें आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते थे। यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह की, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर आपको जगह देखने को मिल जाएगी और फ्रंट से कुछ इस तरह का यहाँ इसका लुक है। इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की आपको इसमें सिंपल सी की देखने को मिल जाती है और ज़्यादा कुछ इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की थी। अब साइड प्रोवाइड की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है वो कमर्शियल व्हीकल है, तो उस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत टेपिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, पर यहाँ पर आपको जो अपने व्हील्स हैं वो आपको यहाँ पर स्टील व्हील देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ अपना 15 इंच। यहाँ पर आपको टायर साइज देखने को मिल जाएगी 205/65 R15। 250 इंच के आपको यहाँ पर इसमें स्टील व्हील देखने को मिल जाते थे, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता था। टॉप एंड वेरिएंट जो इसका आता था उसमें भी आपको फेंडर पर इंडिकेटर देखने को मिल जाता था। ORVM आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता था। उसके बाद कुछ इस तरह का इसका साइड प्रोफाइल था। तो रियर प्रोफाइल आपको इस तरह की इसके देखने को मिल जाती थी। ये जो गाड़ी है वो स्पेशली अपनी बीट करती थी उस टाइम पर जो अपनी इनोवा आती थी, इनोवा क्रिस्टा नहीं 2012 में जो इनोवा आती थी उसके साथ ये गाड़ी कम्पीट करती थी। इस गाड़ी में जो 2 फीचर्स थे वो उस गाड़ी के कम्पेटिवली ज्यादा थे, मतलब इस गाड़ी में आपको बहुत स्पेस देखने को मिल जाता था, साथ ही साथ इसका इंजन भी बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू अपनी जो इनोवा थी। पर यहाँ पर आपको इस तरह का इसका रियल लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको D4 वेरिएंट में डिफोगा देखने को मिल जाएगा रियर, यहाँ पर आपको वाइपर देखने को मिल जाता था, महिंद्रा का लोगो, यहाँ पर आपको जाइलो D4 की बैजिंग, यहाँ पर आपको इस तरह की टेल लाइट देखने को मिल जाती थी, इंडिकेटर, टेल लैम्प एंड अपना जो रिवर्स लैम्प। यहाँ पर आपको कोई भी LED देखने को नहीं मिल जाती, पूरा अपना हेलोजन बेस है और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते थे। और यहाँ पर आपको इसका कुछ इस तरह का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना आपको यहाँ पर जगह देखने को मिल जाती थी। सीट अपने फोल्ड की है तो इतना कुछ आपको यहाँ पर जगह देखने को मिल जाएगी। इसका जो बूट स्पेस है वो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपको जो अपना वाइपर फ्लूइड होता है उसको आप यहाँ से रिफिल कर सकते हो। और यहाँ पर है अपना रियर मोटर, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन की गई जो कि अपनी टेल लाइट, यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए इस तरह की जगह देखने को मिल जाती है। फिर डीजल में यह आती थी, यहाँ पर आपको फ्यूल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर मैं इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दूंगा। इसका जो बोनेट है वो बहुत भारी है, यहाँ पर आपको इस तरह की आपको इंसुलेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती थी। इस तरह का ये इसका इंजन है, यहाँ पर आपको MDI CRD का बैजिंग देखने को मिल जाती थी और यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका इंजन का लुक है। अभी फिलहाल बारिश आ रही है तो इसको अभी बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। जैसे आप कैबिन में एंटर करोगे यहाँ पर आपको पावर विंडोज देखने को मिल जाते थे, चारों पावर विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते थे। पूरा आपको ब्राउन इंटीरियर इसमें देखने को मिल जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक। तो इसके अंदर पहले बैठते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा इसमें फील होता था तो पहले इसका सीट है वो पीछे कर देते हैं। इंटीरियर में आपको इस तरह का इसका लुक देखने को मिल जाता था, यहाँ पर आपको हॉर्न, उसका महिंद्रा का लोगो, स्टेयरिंग मॉड कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलते थे। यहाँ पर आपको AC के वेंट्स देखने को मिल जाते थे, यहाँ पर आपको हेडलाइट की लेवलिंग थी, यहाँ से आप अपने जो फ्यूल लीड है उसको ओपन कर सकते थे। ORVM सबको यहाँ पर इंटरनली एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत पुरानी है, तो उस वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत वो पंगा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता था।
अभी अंदर से आपको ये गाड़ी बहुत आउटडेटेड लग रही होगी क्योंकि आज आप इस गाड़ी को देख रहे हो, पर जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त ये जो इंटीरियर था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर आपको सीधा सा सारा सा इंटीरियर देखने को मिल जाता था। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट्स के बटन, दो डमी बटन आपको यहाँ पर मिल जाते थे। यहाँ पर आपको एसी के जो कंट्रोल्स हैं एंड यहाँ से आप उनको एडजस्ट कर सकते थे। इस गाड़ी में आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी यहाँ पर कोई स्टीरियो देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर आपको जो सीडी प्लेयर है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने जो एसी के कंट्रोल्स आपको इस यहाँ पर इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए थोड़ी बहुत जगह रखी है। गियर लीवर इसका बहुत लंबा था तो यहाँ पर आपको हैंडब्रेक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्टोरेज के लिए थोड़ी बहुत जगह दी गई है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका जो नॉइस है, इंजन नॉइस है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। गाड़ी में आपको वाइब्रेशन उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। पहली बार यहाँ पर आपको जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एनालॉग बेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पर आपको फ्यूल अपना जो फ्यूल गेज वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ओडोमीटर, गाड़ी चल चुकी है 2 लाख, गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग देख सकते हो 2,47,972 किलोमीटर। 2 लाख गाड़ी चल चुकी है पर गाड़ी में ऐसी एज सच कोई मेजर खर्चा नहीं आया है। थोड़े बहुत खर्चे गाड़ी मांग रही है पर हाँ अभी तक गाड़ी अच्छे से चल रही है। उसके बाद यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो और कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, पर जब आप इसके ऊपर के वेरिएंट में जाते हो फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी केबिन लाइट, यहाँ पर आपको यहाँ पर टिकट होल्डर है। उसके बबाद इस साइड से आपको मिरर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इस गाड़ी में जब आप बैठते हो लगता है कि आप किसी ऊंची गाड़ी में बैठते हो और खुला खुला सा फील होता है। अब बैक साइड दिखाई जाए तो यहाँ पर आपको इस तरह का इसका लुक देखने को मिल जाएगा। व्हाइट यहाँ पर सीट्स है जो कि आफ्टर मार्केट चढ़ाई है। वैसे इसमें अलग जो अपने इस कलर ब्राउन कलर की सीट्स में आती थी तो इसमें आफ्टर मार्केट व्हाइट कलर की सीट्स चढ़ा। अभी गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जिस तरह का रियर स्पेस देखने को मिल जाता है। अभी जो ये पीछे की सीट्स है उसको मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया है और मेरे लिए अभी कुछ इस तरह का जगह बचा है। लेग रूम हम यहाँ पर देख सकते हो। पीछे से आपको इस तरह का यहाँ पर एसी का वेंट देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ है और दूसरा अपना लेफ्ट साइड है, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और कुछ इस तरह का इसका लुक, यहाँ पर आपको रियर कैबिन लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि अपने हैलोजन बेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा जो कि डिसेंट इनाफ है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पर उस तरह का इसका लुक है। गाड़ी में स्पेस तो अच्छा खासा है। तो कर दे इस वीडियो का यहीं पर एंड। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी है और इसको बहुत लोग पहचानते नहीं है, तो ऐसे सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। करते अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।